नमस्कार दर्शकों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में आज हम आए हुए हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 16 में वार्ड 16 से जो आदर्श नगर विधानसभा की महिला विंग के अध्यक्ष मनु स्वामी जी हैं वो हमारे साथ हैं और ये वो चेहरा हैं जो कि वार्ड 16 में एक जिसे कह सकते हैं वो उम्मीदवारी का चेहरा एम इलेक्शन के लिए जिसके लिए लोग कह रहे हैं एक सुर में आवाज़ निकाल रहे हैं कि हमें ये चेहरा चाहिए हमें ये हमारी निगम पार्षद के तौर पे चाहिए आइए हम बात करते हैं मनु स्वामी जी से और उनसे जानते हैं कि कब से वो पार्टी में जुड़ी हुई है, हैं और क्या इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन में सीट मिलने के बाद जीतने के बाद वो क्या सोचती हैं कि वो पार्टी के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगी नमस्कार मनु स्वामी जी नमस्कार सर Uh, मैं स्वामी आदर्श नगर विधानसभा की महिला विंग की अध्यक्ष uh, मैं अन्ना हजारे जी के आंदोलन से uh, जुड़ी हुई हूँ रेगुलरली मैं आफ्टर 2013 से uh, मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था ज्वाइन करने का मेरा एक ही रीज़न था कि केजरीवाल की नीतियाँ जो uh, यूथ को पसंद आती है वो मुझे पसंद आई थी कि ये इतना फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए सोच रहे हैं और उसके बाद मैंने 2020 में पवन शर्मा जी हमारे जो विधायक हैं उनके इलेक्शन में मैंने काम किया था बैक एंड और आज के समय में मैं अपनी विधानसभा की महिला विंग के अध्यक्ष हूँ तो आ, मैंने वार्ड 16 में जो भी एमसीडी ने काम नहीं किए हैं वो मैंने फुलफिल करके दिखाए हैं महिलाओं के साथ जुड़कर मंडल अध्यक्ष जो होते हैं बूथ अध्यक्ष जो होते हैं वार्ड अध्यक्ष जो होते हैं हम लोगों की एक टीम है महिला जब फील्ड पर उतरती है जिस तरीके से वो काम करती है तो वो देखने लायक होता मनु जी बात करें शिक्षा की तो आप जैसे यूथ हैं आपकी क्या क्वालिफिकेशन हैं मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर से उसके बाद मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन फ़िलोसफी रेगुलर कॉलेज उसके बाद मैंने मैनुअल टेस्टिंग किया है क्रोमा कैंपस नोएडा से उसके बाद मैंने एक अस्मिता थिएटर ज्वाइन किया था जिसमें मैंने चार साल काम किया है उसके बाद मैंने आ, प्ले डायरेक्ट किए हैं तिहाड़ जेल में बच्चों को काउंसलिंग किया है कि वो कैसे उनका मेंटल लेवल उस लेवल पर आए कि वो ऐसे क्राइम ना करें मैंने 25 बच्चों का मैं काउंसलिंग करती थी तिहाड़ जेल में उसके बाद आ, मैं अभी भी स्टिल आई एम प्रोफेशनल आर्टिस्ट इन मुंबई थिएटर तो मैं ये सब प्रसूँ मैं हमेशा यूथ के लिए ये सोचती हूँ कि यूथ ना आ, एक अच्छी नीति को लेकर ही चले वो अपने संस्कार कभी ना भूले वो किसी के साथ छल कपट ना करें वो सिर्फ अपना एक दृढ़ निश्चय बनाए जिसके ऊपर सिर्फ वो काम करें और केजरीवाल जी की नीतियों को फॉलो करते हुए हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और जो भी हम शिक्षा प्राप्त करें उसको आने वाले समय में हम अपने देश को ही अर्पण करें कि हम यहीं ही काम करें अब जैसे कि अब एम के इलेक्शन आ रहे हैं और जनता की आवाज़ बन रही है कि मनु स्वामी हमें वो चेहरा है जो कि इलेक्शन में हमारा पार्षद बन के आ सकता है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप सोचती हैं कि अगर आप इलेक्शन आप पे विश्वास करती है सरकार केजरीवाल सरकार और आपको सीट देती है तो आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप जनता के लिए करना चाहते हैं जी सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आज ही आ, मैं अपने एक प्ले का प्ले को लिख रही थी उसमें मैंने ये आ, सोचा कि अगर आप पाँच सौ रुपये में बिकोगे तो रोड कहाँ से पाओगे अगर आप सौ रुपये में बिकोगे तो हॉस्पिटल कहाँ से लाओगे और अगर आप एक मुर्गे में बिकोगे तो शिक्षा कहाँ से लाओगे तो यही नीतियाँ हैं कि हमें हमारी जो आ, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो करप्शन को रोकने के लिए आई थी तो मेरा ही ये मतलब है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो करप्ट ना हो वो करप्ट ना हो वो बिके नहीं और शिक्षा की उस उन्नति को पार करे जिसको हमारा देश चाहता है वो बाहर देश में पढ़ने ना आ जाए हमारा देश इतना सक्षम हो कि हम अपने बच्चों को ये बता पाए कि बाहर जाने से नहीं अपने ही देश में हम आ, सफलता को हासिल करें मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगी महिलाओं के लिए मैं महिलाओं के ऊपर काम करना चाहूंगी क्योंकि महिला घर की वो नींव होती है जो पूरे घर को संभाल कर रखती है दूसरा मैं काम करना चाहूंगी बच्चों के लिए बच्चे हमारे आने वाले जीवन का आधार होते हैं तो मैं इन दोनों के लिए काम करना चाहूंगी बुजुर्गों के लिए तो हमारी आत्मा खुद ही निकल पड़ती है कि हम बुजुर्गों के लिए काम करें और दूसरा जो एम में अभी तक गंद मचा के रखा हुआ है मैं उसके लिए डेफिनेटली काम करना चाहूंगी जिससे हमारी जहांगीरपुरी में जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं जो पांच पांच किलोमीटर तक हैजा जैसी बीमारियां टीबी जैसी बीमारियां की बीमारियां जो लोगों में फैली हुई है मैं उसको खत्म करना चाहूंगी नालियां साफ करवाना चाहूंगी जिससे डेंगू जैसी बीमारियां खत्म हो और आ, सबसे बड़ी बात की जो एम सी डी में आ, ये गंद मचाया हुआ है जो आ, ये करप्शन करती है मैं उन सबको मिटाना चाहूंगी जैसे कि एम के स्कूल हो गए एम के हॉस्पिटल हो गए और एम के जो कर्मचारी हैं उनको जो सैलरी नहीं मिलती है वक्त पर वो भी उनको प्राप्त की जाएगी देखिए और भी कई कार्य हैं ऐसे जैसे कि सड़कों का साफाई साफ़ सफ़ाई करना उसमें करप्शन नजर आते हैं जगह जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं उसका पैसा खा जाती है एम और भी एम को घाटे में रेगुलर दिखाया जा रहा है जबकि एम के कमाई के साधन बहुत हैं तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि क्या ऐसा करे है जो एम आज घाटे में जा रही है और दिल्ली सरकार जो इतना फ्री बांट रही है उसके बाद फायदे में जा रही है आ, सर दिल्ली सरकार फायदे में इसलिए ही जा रही है क्योंकि उनकी नीतियाँ बिल्कुल साफ़ है कि हमें पैसों के दम पर हमें चोरी नहीं धोखेबाजी नहीं करनी है हमें सिर्फ काम करके दिखाना है इसलिए वो आज आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल है एम का क्या अभी भी हमने मंजू खंडेलवाल जी के ख़िलाफ़ एक अभी रैली जारी की थी अनशन किया था जगह जगह पर बैठ बैठ कर हमने मंजू खंडेलवाल जी के खिलाफ पदयात्रा निकाली थी तो हम 500 लोग थे 500 लोग अगर हम एक साथ रोड पर निकले थे तो कम से कम 2000 लोगों ने हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी तो मंजू खंडेलवाल ने अपने पति को ही 50 करोड़ की जमीन गिफ्ट में दे दी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की नीतियां तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं ही इन फ्यूचर अपने पति को गिफ्ट देना चाहूंगी तो मैं अपनी कमाई का देना चाहूंगी ना कि, कि किसी गरीब लोगों की खून की पसीने की कमाई मैं गिफ्ट देना चाहूंगी ये थी मनु स्वामी जी हमारे साथ अगर इनको पे पार्टी विश्वास करती है इनको टिकट देती है जीतने के बाद ये इनकी क्या सोच है क्षेत्र के प्रति और समाज के प्रति इन्होंने अपनी सोच को बताया